आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ समोसे की रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छा। और मैं इसमें दो तरीके से आपको बताऊंगी समोसा बनाना, और दूसरा तरीका ऐसा है कि बच्चे भी इसको बना सकते हैं। इतना इजी तरीका है बनाने का, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है समोसे का शेप बनाना। तो मैं आज वही आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो समोसा खाने का तो सभी का मन होता है, और ईद भी है, तो आप इसमें ईद पे भी बना सकते हैं इस समोसे को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। और जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है, उसको जरूर क्लिक किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समोसे के लिए डो रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है 2 बाउल मैदा, और इसमें हमने स्वाद के अनुसार नमक डाला है, क्रश करके अजवाइन डाला है, और मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है। आप घी भी यूज कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जो हो आपके पास। और यहाँ पे हमें हाथों की हेल्प से अच्छे से मोयन लगा लेंगे, और उस आप देख सकते हैं इस तरह से हिलाने के बाद भी अगर हमारा ये टूटता नहीं है, मीन्स कि हमारा जो मैंने मोयन लगाया है वो परफेक्ट है। अब हमें थोड़े थोड़े वाटर की हेल्प से, और हमें डो रेडी कर लेना है। तो हमें डो जो है मीडियम डो रेडी करना है, बहुत लूज़ नहीं होना चाहिए। अब हम इसको रख देंगे सेट होने के लिए। इधर हम अब फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पोटैटो बॉईल करके मैंने यहाँ पे पील करके यहाँ पे मैंने इसको मैश कर लिया है। पोटैटो को हमें ज़्यादा मैश नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए उसमें। तो अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाला है, थोड़ा अजवाइन डाला है, जीरा डाला है। यहाँ पे आप खड़े धनिए का भी क्रश करके यूज कर सकते हैं, तो अभी मेरे पास नहीं था इसलिए नहीं डाला है मैंने। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने ऑनियन और थोड़ा मैंने यहाँ पे काजू के टुकड़े करके डाले हैं, और यहाँ पे आप किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। काजू डालने से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैंने पेस्ट को भी ऐड कर दिया है। इससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इसको हमें सौते कर लेना है। और उसके बाद देख सकते हैं अच्छे से सौते हो गया, भुन भी गया है, कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। उसके बाद यहाँ पे हम अमचूर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने नहीं ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिली पाउडर ऐड किया है, और थोड़ा सा हल्दी ऐड किया है। आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पे मसाले का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक अलग मसाले का यूज़ किया है, ये है पाव भाजी मसाला। इससे फ्रेंड्स बहुत अच्छा टेस्ट आता है समोसे में, तो आप एक बार ज़रूर इसको यूज़ करके बनाना, मुझे पूरा यकीन है आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने इस मसाले का यूज़ किया, जिससे कि टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाता है। ये मैंने फ्रोजन मटर लिया है, और इसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे। और मटर डालने से भी समोसे का टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पे मटर को हम थोड़ा सा दबा देंगे, ताकि जब हम भरें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो हम इसको थोड़ा सा इसको दबा देते हैं, तो अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दबा दिया, मसाले भून गए हैं अच्छे से। अब हमने जो पोटैटो लिया है, वो पोटैटो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो पोटैटो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं टेस्ट के अनुसार मैंने यहाँ पे साल्ट ऐड कर दिया है, और यहाँ पे खूब सारी धनिया हमें ऐड करना है, ताकि हमारे जो समोसे का टेस्ट है वो बढ़ जाए। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अगर धनिया नहीं हो तो आप यहाँ पे कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी लॉकडाउन है, तो बहुत चीज़ें हैं जो मिलती नहीं है, तो हमें बस जो घर में है उन्हीं चीज़ों से बनाना होता है। तो यहाँ पर मैंने डो सेट हो गया है, तो चलिए अब हम इसकी बना लेते हैं समोसे का। समोसे का जो पूरी हम बेलते हैं, उसे हमें जो है गोल नहीं बेलना चाहिए, और इस तरह से अंडा का शेप में बेलना चाहिए, ताकि तो समोसे का शेप अच्छा आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसमें क्या होता है कि एक साइड का थोड़ा बड़ा आता है, एक साइड छोटा होता है। ये पहला तरीका है जो कि मैं बता रही, जो लोग नॉर्मली बनाते हैं। और यहाँ पे हमें एक प्लेट लगानी होती है, जिससे कि समोसे का जो शेप है वो अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं ये प्लेट, और ये हमारा समोसा एक भर के रेडी कर लिया। इसी तरह से हम सारे समोसे को भर लेंगे, और यहाँ से आप पानी लगा के दबा सकते हैं, और ये हमारा समोसा रेडी हो गया है। तो इसके बाद हम आपको
दूसरा समोसा दिखा रहे हैं बना के, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा है। अब मैं दूसरा शेप आपको बताती हूँ, ये कोई भी बना सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कट लगाना है बीच से, उसके बाद हमें यहाँ पे फिलिंग भरना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद जो हमने कट साइड किया है उसको वहाँ पे ले जाके हमें इसको यहाँ पे दबा देना है ताकि हमारे जो समोसे हैं खुले नहीं। तो यहाँ से हमें हल्का सा पानी लगाना है और इस तरह से दबा देना है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट फोल्ड करना है, आपको अभी दिखाऊंगी मैं, ये पूरा अच्छे से मैं दबा दूँ उसके बाद। तो फिर यहाँ पे आप इस तरह से हमें पलट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पलट दिया, बाकी जो एक ये साइड बचती है उसको हमें नाइफ की हेल्प से कट कर देना है, और जो साइड है उसको हम समोसे में दबा देंगे, ये वाला साइड। और आगे से भी पानी लगा के अच्छे से हमें इसको दबा देना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा बनता है, लेयर जैसा आता है और क्रिस्पी भी बहुत अच्छा आता है इससे। इस तरह भी आप दबा सकते हैं और पानी लगा के भी आप दबा सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने आसानी से बन गया, और इसको कोई भी बना सकता है फटाफट। तो हम एक मैं दो फिर से दिखाती हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस मैं कर रही हूँ, पर एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाइन के इधर ही हमें रखना है, ये मैं बताना चाह रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया और उसके बाद ये भी चिपका दिया ऊपर से, फिर वही प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे फिर ये मैं कटिंग कर दूँगी। तो फ्रेंड्स मैं एक हाथ से बना रही हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है। तो बस लॉकडाउन ख़त्म हो जाए फिर मैं मंगाऊंगी। तो अभी मैं आपको एक हाथ की हेल्प से ही बता रही हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग। और अब यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है और जो भी समोसे मैंने बना के रेडी किए थे मैंने डाल दिए हैं। गरम ऑयल बहुत नहीं होना चाहिए, मीडियम हीट पे ही हमें समोसे को पकाना है, और 5 से 7 मिनट एक बार की बैच में लगता है। तो बहुत खस्ता समोसे बनेंगे आपके, क्रिस्पी भी बनेंगे बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हैं आप इस तरह से हमें इसको सेक डीप फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे क्रिस्पी सिक रहे हैं मेरे समोसे। तो इस तरह से आप समोसे बनाइए, खाइए और बताइएगा कैसे बने। और अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। तो ये भी देखिए दूसरा बैच मेरा रेडी हो गया, कितना क्रिस्पी है। और तो फ्रेंड्स मेरे समोसे रेडी हो गए हैं, मैंने धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे इमली की चटनी के साथ और आप इसको सॉस के साथ किसी के साथ भी रेडी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरे समोसे बनाने की जो मेथड है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक